नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में अब डॉग स्क्वाड को लेकर सियासत गर्मा गई है। पिछले दिनों 23वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में डॉग स्क्वाड समेत 46 हैंडलर के ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिसे लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार तबादलों को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। वहीं अब बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए मंत्री सज्जन वर्मा ने विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता ही ऐसी है। इसके साथ ही सज्जन वर्मा ने कहा कि बीजेपी एमपी में सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, उसके सपने कभी साकार नहीं होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर सज्जन ने कहा कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान गृहमंत्री बाला बच्चन को सौंपी जाए। अब ये तो एक पत्रकार को भी सोचने का विषय है, क्या किसी पशु से कोई बैर भाव हो सकता है? लेकिन आपको तो आनंद लेना बीजेपी के लोगों को, अरे भाई उनका ट्रांसफर कर दिया डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड बोलते तो भी ठीक था, कुत्तों का ट्रांसफर कर दिया। तो ये उनकी मानसिकता है, कुत्ते ये सब क्या करें। पहले एक मुंगेरी लाल होता था, अब 5-6 मुंगेरी लाल बीजेपी में हो गए। शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र, क्या है उनका, भूपेंद्र सिंह सागर वाले, ऐसे 5-6 मुंगेरी लाल हो गए। अब हसीन सपने देखने की आदत है उनको, उनके आरोप लगाने से क्या होता है। मैंने तो ये रिकमेंड की कि बाला बच्चन को गृह मंत्री रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि एक प्रोटोकॉल मिले, एक जब अध्यक्ष कहीं जाता है। वही मंत्री के बयान के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हाँ, हम जनता के वफादार हैं। वहीं राहुल कोठारी ने भी इसे लेकर प्रो कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन हाँ, हम मध्य प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता के वफादार। जब मध्य प्रदेश की जनता को कष्ट होगा तो सज्जन सिंह वर्मा जी, कमलनाथ जी कान खोलकर सुन लो, हम मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाएंगे। उसको अगर आप भौंकना मानो तो 100 बार मांगो, हम प्रदेश की जनता के वफादार, जनता के लिए हर हमेशा लड़ते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। और जो जनताओं पर घात करेगा, अगर जनता को काटेगा, तो हम जनता के साथ आवाज़ उठाएंगे। और इसलिए अगर चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की आवाज़ उठाई जाए, अगर ट्रांसफ़र होंगे, तो हम गरीबों की, शिक्षकों की और उनकी भी आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो कहना कहो, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि वफादारी में हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे। हमें विपक्ष में बैठने का अगर जनता ने मौका दिया है तो भी जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और रही बात सज्जन सिंह जी की, सज्जन सिंह जी इस बात को समझ लें कि आप किसी के भी नहीं हो सकते, ना जनता के हो सकते हो, ना के हो सकते हो, क्योंकि आपने तो उन तक का तबादला कर दिया। और मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है, कभी अफसरों के तबादले तो कभी शिक्षकों के। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षकों के तबादले होंगे। तबादलों के लिए 70,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग तबादलों के लिए नई नीति के तहत लिस्ट तैयार करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादलों की नई नीति तैयार की है, जिसमें प्राथमिकताओं के हिसाब से ही लिस्ट तैयार की जाएगी। आपको बताया जा रहा है कि स्कूलों में खाली पदों को देखते हुए प्राथमिकता के हिसाब से शिक्षकों के तबादले किए जाने हैं। विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई तय की थी। विभाग की तरफ से प्राथमिक और मिडिल स्कूल्स में अतिशेष शिक्षकों के पद को दर्शा दिया गया था। शासकीय मध्य प्रदेश अध्यापक संगठन ने विभाग के मंत्री से मांग की है कि जब तक अतिशेष शिक्षकों के मामले में हुई गड़बड़ी दूर नहीं कर दी जाती, तब तक तबादला प्रक्रिया रोक देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है, अफसरों के शिक्षकों के तबादले होंगे। सरकारी स्कूलों में खाली पद भरे जाएंगे। 70,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। तबादलों के लिए नई नीति के तहत लिस्ट तैयार की जाएगी।
और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनके निवास पर पटवारी परीक्षा की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मंत्री राजपूत ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि वेटिंग लिस्ट पूरी होने तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही राजस्व मंत्री राजपूत ने कहा कि सेकेंड काउंसलिंग 29 जुलाई को शुरू होगी और खाली पदों की पूर्ति नहीं होने पाने की स्थिति में तीसरी काउंसलिंग अगस्त महीने में की जाएगी। वहीं जरूरत पड़ी तो वेटिंग लिस्ट की डेट भी बढ़ा सकते हैं। मंत्री गोविंद सिंह से अभ्यर्थी मिले हैं, वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है। 29 जुलाई को सेकेंड काउंसलिंग शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब अपने कामकाज का सर्वे कराएगी। ये सर्वे आनंद विभाग के जरिए सितंबर महीने से कराया जाएगा। इसके बाद ये रिपोर्ट मार्च में आएगी। आईआईटी खड़गपुर ने इस सर्वे के लिए फॉर्म तैयार कर लिया है। सर्वे फॉर्म में प्रशासन और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि 11 पेज के फॉर्म में 30 सवाल होंगे और सरकार की योजनाओं और कामकाज का आंकलन होगा। बताया जा रहा है कि हर जिले के 2 ब्लॉक और ब्लॉक के 4 गाँव में सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे में ये साफ हो सकेगा कि सरकार की कौन सी योजनाएं और कितनी प्रभावकारी हैं, लोगों की कैसी अपेक्षाएं हैं और इन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। जाहिर है ये सारी कवायद लोक हितकारी योजनाओं का पता लगाने के लिए की जा रही है। कमलनाथ सरकार कामों का सर्वे कराएगी। और कमलनाथ सरकार अब राज्य आनंद संस्थान बंद नहीं करेगी, बल्कि वो उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने की विचार कर रही है। जनता पर तेजी से हावी हो रहा तनाव कम करने के लिए अब कमलनाथ सरकार आनंद संस्थान की मदद लेगी। यह संस्थान शिवराज सरकार में जोर शोर के साथ शुरू किया गया था। और अब हम आपको 21वीं सदी की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो न केवल सरकार के दावों की पोल खोलेगी बल्कि किसानों के हाल को भी बयां करेगी। जहां 2 जून की रोटी जुटाने के लिए एक मां और बेटी का संघर्ष साफ नजर आएगा। देखिए, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिल्म मदर इंडिया में ये गाना जिस तरह से तंगहाली पर फिल्माया गया था, वैसी तस्वीर आज के दौर में भी देखने को मिल ही जाती है। भले ही दावा किया जाए किसानों की आय दोगुनी करने का या फिर किसानों की कर्ज माफी का, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सवाल उठता है कि क्या यही है उन तमाम दावों की हकीकत। सिस्टम के दावों की हकीकत को बयां करती ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले की। देवास जिले के कुसमानिया आदिवासी समाज तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अगर पहुंचती हैं तो आज एक विधवा महिला को अपने 2 बच्चों के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इस महिला के पास आय का केवल एक ही जरिया है और वो है 4 एकड़ का खेत, जिसमें अपने सम्मान और परिवार के पालन पोषण के लिए ये महिला हल जोत रही है और उसकी बेटी बैल की जगह खुद लगकर अपनी माँ का हाथ बटा रही है। ये तस्वीरें कन्नौज तहसील के ग्राम भिलाई की है और महिला का नाम है कारीबाई, जिसके पति का निधन हो चुका है और सरकार की तरफ से मदद के नाम पर इस महिला को केवल कुटी मिली है। डोरा कर रहे थे। क्यों? बैल नहीं है। अच्छा, आपके पति? पति शांति होगा स्टूडेंट। अच्छा, तो जमीन कितनी है आपके पास में? 4 एकड़। बैल वगैरह कुछ नहीं है? बैल वगैरह कुछ नहीं है। आपके पति का एक्सीडेंट कब हुआ था? 3 साल होगा। अच्छा, सरकार से आपको खेत के बारे में कोई योजना का लाभ मिला? कुआ वगैरह मिला? नहीं मिला कुछ? कहीं नहीं मिला, आवास कुटी मिली। आवास कुटी मिली? हाँ। और इसके अलावा दूसरा लाभ नहीं मिला? उसके अलावा कहीं नहीं मिला। अच्छा, खेत में सिंचाई के लिए कोई साधन है, पानी का क्या है? कहीं भी नहीं है, नदी में थोड़ा बहुत है, यही है, नहीं तो कहीं नहीं। अच्छा, फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो? ऐसा ही करा अभी या थोड़ा थोड़ा है खेती में, उसमें गुजर करा। कारीबाई बताती है कि उसके पास सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जो सस्ती लागत से फसलें होती हैं वो उन्हीं को लगाती है जिससे परिवार का भरण पोषण कर सके
और इस बार कारीबाई ने मुश्किल से मक्का और मूंगफली का बीज खरीदकर खेत में बोआ है। वहीं संबंध में पंचायत सचिव राजेश बागवान ने बताया कि कारीबाई को पंचायत स्तर से पीएम आवास, शौचालय, कल्याणी पेंशन और बीपीएल कार्ड का लाभ दिया गया है। हालांकि कारीबाई परिवार का जीवन सुधारने के लिए ये सुविधाएं फिलहाल नाकाफी सी नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और सतना में अमरपाटन थाना टीम ने घेराबंदी कर 100 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक गाड़ी जब्त की है, साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है, वहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अवैध शराब की 100 पेटियों को बरामद किया गया है, तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और सागर जिले के बीना शहर में आईएसकेएल मीना के चैंबर में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक महेश राय ने चैंबर के अंदर मुर्दाबाद के नारे लगाए और आईएसकेएल मीना, जो इन दिनों एसडीएम बीना हैं, उनको काफी खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि बिजली बिल ज्यादा आने के चलते स्थानीय विधायक तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने तहसील के मुख्य गेट पर खड़े होकर बाबू से एसडीएम केएल मीणा के पास ज्ञापन सौंपने की जानकारी भेजी। वहीं एसडीएम के कहने पर तहसीलदार ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन विधायक ने कहा कि ज्ञापन एसडीएम के नाम है, जब वो मौजूद हैं तो ज्ञापन उन्हें ही देंगे। और विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद एसडीएम के चैंबर में जा पहुंचे। जब विधायक को एसडीएम ने वहां भी तवज्जो नहीं दी, इस बात को लेकर विधायक ने चैंबर में ही एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बिजली के ज्यादा बिल आने पर ज्ञापन दिया था। और जबलपुर में आरपीएफ के डीआईजी विजय खातरकर महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के केस में फंस गए हैं। जबलपुर में रेलवे पुलिस ने उनके खिलाफ चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का केस दर्ज किया है। हालांकि डीआईजी ने सफाई दी है कि ट्रेन में पानी की बोतल उठाते वक्त उनका हाथ महिला के हाथ से टच हो गया था। उन्होंने फौरन महिला से माफी भी मांग ली थी। आपको बता दें कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A में मामला दर्ज किया है। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला जबलपुर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी है। शिकायत के मुताबिक ये घटना बीती रात की है। ये महिला इंदौर से जबलपुर जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस में AC2 कोच में सफर कर रही थी। महिला के मुताबिक गाडरवारा स्टेशन के पास ये घटना हुई है। तो रेलवे अफसर की पत्नी की आरपीएफ के डीआईजी पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज किया।